करो बंद करो बंद करो बंद करो घोटाले करना बंद करो बंद करो बंद करो घोटाले करना बंद आप ही के यूथ विंग के लोग कह रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने दीजिए, हम मीडिया से बाइट नहीं करेंगे, तो बिना मीडिया के कैसे आवाज पहुंचेगी आप? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया जो है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथी यहाँ प्रदर्शन, जो आपके साथी यहाँ प्रदर्शन करने हैं, क्या वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं है? हमने करना क्या है, मैसेज कैसे पहुंचाना है? सर मेंटली तौर पर सब प्रिपेयर है, युवाओं का खून उबल रहा है। आप देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के युवाओं की हालत क्या है। हालत देखें, पिछले 8 साल से कोई भी एक अगर पोस्ट निकलती है उसमें स्कैम सामने, हालत दिखाएगा, गुस्सा है सर, हालत दिखाएगा। तो ये हम जैसे लोग, हम जैसे युवा, हम जैसे छात्र दिखाएंगे और दिखा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये साफ स्पष्ट सीधा मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की कोई गली, कोई मोहल्ला या प्रेस क्लब के बाहर की आप एग्जाम्पल देख लें। आप देखें युवा कैसे त्राई माम कर रहा है। बच्चे 31, 32, 32, 32 साल के हो रहे हैं और अपने माँ बाप से 100-200 रुपये मांग रहे हैं। आप उन माँ बाप की मनोस्थिति देखिए, उन माँ बाप की छोड़िए बच्चों की मनोस्थिति देखिए, जो बच्चों से, जो माँ बाप अपने बच्चों को पैसे दे रहे हैं और जो बच्चे अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हैं। आप ये देखें कितना सीरियस कंसर्न है सर। और जो भी बच्चे यहाँ पे पिछले 5-5, 6-6 साल से तैयारी करते हैं, अंत तक घोटाला, वह बच्चे सुसाइडल और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो 8 साल से यहाँ पर रूल कर रहे हैं भाजपा के लोग हैं, भाजपा की सरकार है। हिंदू को मुसलमान के सामने खड़ा कर देंगे, मंदिर को मस्जिद के सामने खड़ा कर देंगे, पर युवा की बेरोजगारी की जब बात आएगी तो मुंह पे सिलाई हो जाती है इनके, मुंह पे चुप्पी लग जाती है इनके। देखे यही लोग 8 साल से जो है यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो इतने घोटाले क्यों? आज इनसे सवाल है। और अगर इन लोगों से ये कुर्सी नहीं समझती है तो जम्मू के लोगों को कान मरोड़ के लखनपुर के पार इनको छोड़ कर आना चाहिए। एक इतना बड़ा घोटाला, बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ J&K, फायर एंड एमरजेंसी का स्कैम। 2013 में एक भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है, 2021 तक फिल नहीं किया जाता। 2018 में कोर्ट के डंडे के बाद 2021 में 3 दिनों के अंदर 696 लोगों को जल्दी जल्दी में भर्ती किया जाता है। आज आम आदमी पार्टी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत लोगों तक रखती है कि मास कॉपिंग हाउस बोर्ड के अंदर होती है, एफिडेविट्स होते हैं, इसमें 50-50 हज़ार में पेपर बिका है। और आपको क्या सबूत देंगे? और युवा क्या करेगा? युवा की हालत दयनीय है, मृत्यु के कगार पर लोग पहुंच चुके हैं, इस तरह की मनोस्थिति बन चुकी है। आज जो विनती है सोंगी और कानी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की सरकार से, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना ये चीज़ रोके नहीं रुकेगी।